ओम शांति आज की क्लास के लिए हम सभी मीठे प्यारे बाप दादा का आह्वान करेंगे ओम शांति ओम शांति आज की रात्रि क्लास का टॉपिक रहेगा वॉर। बाबा कहते हैं कि हम सभी जितनी भी ब्राह्मण कुल की आत्माएं हैं हम सभी हर पल युद्ध के मैदान में खड़े और युद्ध के मैदान में खड़े होने वाले हम अननोन वॉरियर्स हैं जब फर्स्ट टाइम हम इसके बारे में सोचते हैं तो हम ये कहते हैं कि हमारा माया से युद्ध है और माया पांच विकारों से हमारा युद्ध है इंस्टेड के कि हम किसी इंसान से नहीं लड़ते हैं कि नहीं लोगों से नहीं लड़ रहे होते हैं पर हम माया के पांच विकारों से लड़ रहे होते हैं लेकिन कोई भी युद्ध जब भी लड़ा जाता है तो उसमें एक होता है एनिमी किससे हम लड़ रहे हैं और दूसरा होता है हम किसके लिए लड़ रहे हैं क्यों लड़ रहे हैं, क्या कारण है या वो कौन सी ऐसी हमारी खास चीज है जिसको बचाने के लिए हम इस युद्ध के मैदान में हैं। तो हमें ये तो पता रहता है बहुत अच्छे से कि हम हमारा एनिमी कौन है ये बात हमें समझ में आ जाती है कि हमारा एनिमी है पांच विकार और रामायण के और रामायण रावण के बच्चे हैं हाँ। लेकिन हम किस चीज के लिए लड़ रहे हैं किस चीज की प्रोटेक्शन कर रहे हैं किस चीज को सेफ रख रहे हैं हम कहते हैं हम स्वयं को सेफ रख रहे हैं लेकिन अगर मैं अपने आप को देखू स्वयं को भी तभी भी कौन सी ऐसी चीज है जिसकी हम प्रोटेक्शन करते हैं मेरे अंदर भी तो वो हो जाती है मेरी स्थिति बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये समझने का कि हम किस चीज की प्रोटेक्शन कर रहे हैं हम स्व की स्थिति की प्रोटेक्शन कर रहे हैं क्योंकि स्थिति नीचे जाना बहुत इसको गहराई से हम समझेंगे एक से दूसरी चीज जुड़ी है स्व की स्थिति नीचे जाना मतलब हमारा माया रावण के अधीन होना स्थिति ऊंची रहना मतलब माया रावण के ऊपर विजय प्राप्त करना तो एक स्थिति वो एक ऐसी एक ऐसी ऐसी चीज है हमारी मान लीजिए जमा पूंजी है या हमारा ऐसा ट्रेजर है जो जब हमारे पास होता है एक ऊंची स्थिति जब हमारे पास होती है तो हम विजयी होते हैं लेकिन ही हम उस ऊंची स्थिति को खो देते हैं तो हम हारने लग जाते हैं लेकिन जब हम अपने जीवन में रोज के समय में जब हम किसी भी कार्य व्यवहार में या हम सेवा के करते हैं हम कुछ भी कर रहे होते हैं तो क्या हमारा इस बात पर ध्यान रहता है कि मैं यहाँ जो भी कर रही हूँ उसमें सबसे पहला कार्य जो मुझे करना है वो है अपने स्थिति को प्रोटेक्ट करना हम उसी पल जिस भी पल सेवा में होते हैं तो हम किसी भी चीज को लेके कॉन्शियस हो जाते हैं हम सेवा कॉन्शियस हो जाते हैं हम रोल कॉन्शियस हो जाते हैं हम कर्म कॉन्शियस हो जाते हैं बहुत सारी चीजें एक्शन कॉन्शियस हो जाते हैं लेकिन उस दौरान हम किस चीज को खो देते हैं और स्थिति को और खोते ही उस स्थिति को खोते ही हम हारने लग जाते हैं चाहे जा है हम जो भी कर रहे हो उस चीज में हमें फिर सफलता नहीं मिलती है हार मिलने लग जाती है क्योंकि जो वो एक ऐसा ट्रेजर था जिस जिसके न, होने मात्र से हम चीजों को जीत सकते हैं वो हमसे छूटने लग जाता है विच इज हमारी श्रेष्ठ स्थिति लेकिन ये बहुत गहराई से सोचने की बात है क्या हम जब ही भी कर रहे होते हैं तो क्या हमारा ध्यान हमारी स्थिति पर होता है या किसी और बात पर तो होता है क्योंकि हम जिस युद्ध के मैदान में खड़े हैं वहां हमें प्रोटेक्ट सिर्फ और सिर्फ अपनी स्थिति को करना है और किसी चीज को नहीं अगर स्थिति हमारी ठीक रहेगी तो हम जीत रहे हैं हो सकता है स्थिति को ठीक करने के कारण हमें कभी कभी सेवा में कुछ ऐसे डिसीजंस लेने पड़े जो मेजॉरिटी ऑफ लोगों के अगेंस्ट हो हो सकता है जैसे आप है हमारी जो धारणाओं के पॉइंट्स होते हैं हमारे धारणा का पॉइंट होता है कि हमें धीरे बोलना है हमें मीठा बोलना है या हमें आ, समाना है सहन करना फाइन हमें पेशेंट रहना है या जो बाबा की धारणा है भोजन पर हमें साइलेंस में खाना खाना है बाबा की याद में खाना खाना है ये सारी जो भी धारणाएं हमें मिली है मान लीजिए एक तरह के नियम जो हमें मिले हैं वो नियम क्या इंश्योर करते हैं कि मैं अपनी स्थिति में स्थित रहूं उससे नहीं हिलूं क्योंकि जैसे ही हम उस स्थिति से हिलते हैं आप देखेंगे मैंने अपने में देखा है आई एम नॉट श्योर अबाउट अदर्स बट मैं अपना बताती हूँ कि जब मेरा ध्यान इस दुनिया की बातों में होता है चाहे वो सेवा ही क्यों ना हो चाहे वो सेवा का क्षेत्र ही क्यों ना हो तो संकल्प बहुत चलते हैं उसका कारण क्या निवारण क्या वो भी हम अभी समझेंगे लेकिन वो संकल्प चलने के कारण इतने संकल्प चलते हैं इतनी बातें चलती होती है जितना आप सेवाओं में आगे बढ़ेंगे जिम्मेदारी का ताज सर पे आता ही जाएगा एक नहीं कई जिम्मेदारी आती जाएंगी और आते आते उन जिम्मेदारियों को हैंडल करते करते और हर एक चीज मैनेज करना है आपको लोगों को मैनेज करना है बहुत बड़ा मैनेजमेंट है लोगों को मैनेज करना सेवा को मैनेज करना मना स्थूल चीजों को मैनेज करना इन सारे मैनेजमेंट में जब हम उतरते हैं तो कितने सारे लोगों से हमारा दिन भर इंट्रैक्शन होता है जस्ट विजुअलाइज कितने सारे लोगों से हमारा दिन भर इंटरेक्शन होता है और वो हर एक आत्मा अपनी स्थिति लेकर के हमारे सामने आती है अपनी स्टेज लेकर के या अपना एक प्रभा मंडल अपना एक और लेकर के हमारे सामने आती है और जब हम उस और में आते हैं और अगर हमने अपने आप को प्रोटेक्ट नहीं किया होता है तो उसके प्रभाव में आ करके क्योंकि वी आर नॉट स्थिति कॉन्शियस हम अपनी चीज को प्रोटेक्ट कर ही नहीं रहे तो भले हम उनके और में आते हैं सेवा अर्थ ही आते हैं प्रभावित होने के कारण या उनके अंदर जो गंदगी है वो स्वयं में आ जाने के कारण इम्प्योरिटी है वो इम्प्योरिटी स्वयं में आ जाने के कारण हमारे बहुत संकल्प चलते हैं क्योंकि अगर संकल्प ज्यादा चल रहे हैं तो समझ लेना चाहिए इम्प्योरिटी है अगर प्योरिटी है तो संकल्प कम ही चलेंगे और हर संकल्प शक्तिशाली होगा लेकिन अगर इम्प्योरिटी है तो बहुत संकल्प चलेंगे ये तो हमें पता ही है नेगेटिव संकल्प ना बहुत ही ज्यादा संकल्प वेस्ट संकल्प मतलब नेगेटिव संकल्प से थोड़े कम बट स्टिल बहुत ज्यादा और उससे नीचे चलो तो साधारण संकल्प वो थोड़े कम होते हैं लेकिन फिर भी दे मेंटेन अ साधारण स्थिति उसमें हम साधारण होते हैं एंड एलिवेटेड संकल्प जिसमें हमारे बहुत कम संकल्प होते हैं तो हम खुद गेज कर सकते हैं दिन भर इतने कार्य व्यवहार में आने के समय जब हम लोगों से जुड़ते हैं मिलते हैं तो उनकी सोच उनकी स्थिति का हमारे स्थिति पर प्रभाव पड़ता है वायुमंडल का भी हमारे पर प्रभाव पड़ता है और उस समय अगर हम ये बात भूल जाते हैं कि हम माया के साथ युद्ध में है अपनी स्थिति को बचाने के लिए जो मेरा कैसल है जो मेरा राज्य है वो राज्य ही स्थिति का है जिसको मैं प्रोटेक्ट कर रही हूँ इसको प्रोटेक्ट करने के लिए मैं बाबा के द्वारा दिए गए हर एक वेपन को यूज कर रही हूँ ताकि वो स्थिति अपनी जगह पर निश्चित रहे उसे नीचे ना जाए लेकिन उस पर ध्यान मान लीजिए हम इसको इस तरह से विजुअलाइज कर सकते हैं हम लड़ रहे हैं लेकिन लड़ते लड़ते हम इतने मगन हो गए कि हम यही भूल गए कि हम किस चीज के लिए लड़ रहे थे जिस चीज के लिए लड़ रहे थे उसके आसपास हमने कोई भी प्लानिंग या प्लान ऑफ एक्शन या डिफेंस नहीं रखा हम लड़ते लड़ते इतने आगे चले गए लड़ने में इतने मगन हो गए या उस या उस क्रिया को करने में इतने मगन हो गए वी टू प्रोटेक्ट कैसल कि हम ये बात भूल ही गए कि जो कैसल है जो राज्य है जो हमारा जो हमारा महल है जिसकी प्रोटेक्शन हमें करनी है उस उसको प्रोटेक्ट करना ही भूल गए या उसके प्रति सोचना ही भूल गए बुद्धि में ये संकल्प ही नहीं चल रहे हैं कि मुझे इसको प्रोटेक्ट करना है ना कि सिर्फ मुझे लड़ना है मैं लड़ है मैं मैं क्यों लड़ रही क्या कि इस कैसल को प्रोटेक्ट कर सकू इस, को कर सकूं, इस अम, महल को प्रोटेक्ट कर सकू उसको छोड़ करके हम बस लड़ने में मगन है हम कार्य में मगन है तो जो बुद्धि जिस बुद्धि को इस चीज को ध्यान में रख करके हर एक स्टेप उठाना था वो सिर्फ स्टेप उठाने में बिजी हो गई है पर इंटेंशन जो था लड़ाई का उसको भूल चुकी है जिसके कारण अब now that castle is unprotected. माया ने तो हमें बिजी कर दिया सेवा में इस बात में उस बात में आराम से हम बिजी हो गए और वो कैसल अनप्रोटेक्टेड रहेगा और उस पर माया वार कर लेती है स्थिति नीचे आ जाती है और स्थिति नीचे आते ही हम कहीं के नहीं रहते हैं। सेवा कर रहे हैं पर खाली होते जा रहे हैं योग नहीं लग रहा है मंथन नहीं चल रहा है ज्ञान नहीं बैठ रहा है रस नहीं आ रहा है खुशी नहीं है और हमारे ऊपर बोझा बढ़ता जा रहा है ये चीजें हमारे ऊपर चलती ही रहती है जिसको बाबा कहते हैं ग्रहचारी बैठ जाती है और फिर इतना इतना हम दूर हो जाते हैं अपनी श्रेष्ठ स्थिति से कि अब वापस मतलब मान लीजिए लड़ते लड़ते इतना दूर पहुंच जाते हैं या हमारा डिफेंस इतना वीक हो जाता है या हमारे कैसल के ऊपर माया का इतना बड़ा राज्य हो जाता है कि अब देख के लगता है पता नहीं इसको वापस जीत पाएंगे या नहीं जीत पाएंगे वापस इसको गेन कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे क्योंकि लड़ते समय ये भूल गए कि लड़ने का उद्देश्य क्या था लड़ने का उद्देश्य था उस कैसल को प्रोटेक्ट करना और कोई और किसी चीज के लिए हम नहीं है अगर स्थिति हमारी अच्छी है तो बाबा सेवा करवा ले बात हमें पता है अगर है अगर स्थिति अच्छी तो हमारे हाथ से हर वो काम हो जाएगा जो होना चाहिए अगर हमारी स्थिति अच्छी है तो हमारे मुख से वो निकल जाएगा जो निकलना चाहिए लेकिन ध्यान सारा इस बात पे होता है मुख से क्या बोलना है प्लानिंग क्या करनी है सेवा कैसे करनी है हर वो चीज हम कर रहे हैं लेकिन भूल गए हैं कि स्थिति को प्रोटेक्ट करना है स्थिति को प्रोटेक्ट करने के लिए कोई भी प्लानिंग नहीं करते हैं। दुनिया के हर चीज के लिए प्लानिंग कर लेते हैं लेकिन स्थिति को बचाने के लिए कोई भी प्लानिंग नहीं की जाती है। तो वो बुद्धि जो बिजी हो गई है अनेक अनेक बातों में इन इस दुनिया की बातों में बिजी हो गई है अब सेवा तो देखिए हम इसी दुनिया में कर रहे हैं ना हम सत्युग में सेवा नहीं कर रहे हैं हम परमधाम में सेवा नहीं कर रहे हम यहाँ सेवा कर रहे इस कलयुगी दुनिया में सेवा कर रहे हैं हम फोर फ्रंट में खड़े हैं हम वो अः सेना के आ, टुकड़ी है जो एकदम बॉर्डर पे खड़ी है और किससे लड़ रही रही है है हर पल परिवर्तन कर कलयुगी आत्माओं को संगम योगी आत्माएं बना रही है हर पल हमारा यही काम है हर वो एक शक्ति जो कि कलयुगी है उसको परिवर्तन करके संगम योगी या सत्युकी बना रही है अगर धैर्यशील हो रही है सहन सहन शक्ति को बढ़ा रही है तो संगम योगी बना रही है या उसको खुशी में परिवर्तन कर रही है सुख में परिवर्तन करिए तो सत्योगी बना रही है बट वॉट आर वी डूंग ट्रांसफॉर्मर्स जो हर पर बॉर्डर लाइन पे खड़े हैं तो हमारे सामने तो कलयुगी बातें आना निश्चित ही है हमारे सामने कलयुगी आत्माओं का आना निश्चित ही हम बच नहीं सकते हैं द मोमेंट हम ज्ञान में आ गए हैं सेवा के क्षेत्र में उतर गए हैं किसी भी निमित्त बनकर के आपने चाहे कभी सकाश ही दे दिया हो गलती से लेकिन उतर गए हैं सेवा क्षेत्र में तो मतलब अब हम फोर फ्रंट में खड़े हैं फ्रंट लाइन वॉरियर्स है एकदम आगे खड़े हैं और आगे खड़े होने के कारण हर पल कलयुग की चीजों से लड़ाई कर रहे हैं तो लड़ाई के मैदान को नहीं छोड़ा जा सकता और लड़ रहे हैं कहा कलयुग में खड़े होके बॉर्डर लाइन पे खड़े होके तो कलयुगी चीजों का तो सामना करना ही पड़ेगा तो बुद्धि को इस दुनिया में रहना पड़ेगा या मुझ आत्मा को इस दुनिया में रहना पड़ेगा टू तो डू दी सेवा दादियों के लिए भी कहा जाता था ना कि दादिया संपन्न संपूर्ण हो गई है बट सेवा अर्थ यहाँ रुकी है क्योंकि सेवा उनको करनी है तो इसलिए इस दुनिया में रुकी है नहीं तो वो कब की जा जाजक, चुकी होती लेकिन नहीं जा पा रही क्योंकि सेवा उन्हें यही करनी है अब जब हमें सेवा यही करनी है तो शरीर को भी यही रहना है और मुझे इसी दुनिया में रह करके प्लानिंग करनी है और चीजों को संभालना है अब अगर इस दुनिया को हम देखें तो सोच सकते हैं कि इस दुनिया में कितने कार्य व्यवहार चल रहे हैं हर पल और उन हर कार्य व्यवहार में जिसमें हमारी बुद्धि लगी है जिसको डिसर्न कर रही है समझ रही है निर्णय ले रही है इम्प्लीमेंट कर रही है प्लानिंग कर रही है वो बुद्धि इस दुनिया में बिजी है और इस दुनिया में बिजी है तो अगर उस बिजीनेस में अपनी स्थिति का ध्यान नहीं रखा तो जब समय आता है इस दुनिया को छोड़ करके समेट लेने का अपने आप को इस दुनिया को छोड़ करके उड़ जाने का तो उसमें कितनी दिक्कत होती है तब योग नहीं लगता है तब कितनी हलचल में आ जाते हैं मेरा योग नहीं लग रहा मेरी स्थिति अच्छी नहीं है क्योंकि अब तक तो स्थिति बहुत गिर गई है उसका ध्यान नहीं रखा तो गिर गई है तो अगर हम थोड़ा देखें इस स्थिति को बनाने के लिए हमारा जो पुरुषार्थ है वो क्या होना चाहिए तो आज हम कंट्रास्ट करते हैं इस इस दो लोक में इस लोक की बात और एक मान लीजिए परम धाम की बात को हम ले लेते हैं कंपेयर करने के लिए तो इस दुनिया में जब हम आए सबसे पहले जब हम नीचे आए तो हम आते ही हम देवता स्वरूप में थे और तब देवी देवता दुनिया पर राज्य करते थे सबसे पहली जो डायनेस्टी थी वो थी सन डायनेस्टी सूर्यवंशी आत्माएं सूर्यवंशी आत्माएं सत्युग में राज्य करती थी फिर चंद्रवंशी आत्माएं त्रेता में राज्य करती थी उसके बाद में द्वापर में अनेक अनेक धर्म आए और अनेक अनेक धर्मों के हिसाब से राज्य शुरू हुआ कभी किसका राज्य कभी किसका राज्य तो ये दुनिया जिस दुनिया जिस में हमसे ज्यादा काबिल कोई नहीं था थी में में आज के समय हमसे ज्यादा दुर्बल कोई नहीं है ठीक है हम ब्राह्मण है लेकिन हमारा कोई राज्य नहीं है हमें कोई ऐसा नहीं है कि हम बहुत ऊंचे हैं हम ऊंचे हैं पर हम गुप्त हैं किसी को पता नहीं है तो हमारा अभी यहाँ पर कोई राज्य नहीं चल रहा वो विश्व जिसपे हम राज्य करते थे आज उस वो विश्व हमें जानता तक नहीं है पूज रहा है लेकिन हम नहीं जानता हम आत्माओं हम तो हमें कोई कहेगा नहीं कि हाँ आप लोग विश्व पे राज्य करते थे तो ये जो विश्व पर राज्य करने की गद्दी है देखिए इस गद्दी के ऊपर कितने लोग बैठे हैं एक समय में हम बैठे थे उसके बाद में अगर हम अपने आप को सत्युगी समझते हैं सन डायनेस्टी के समझते हैं सूर्यवंशी समझते हैं तो एक समय पे हम बैठे थे सूर्यवंशी फिर उसी गद्दी पे कौन बैठे चंद्रवंशी बैठे फिर उसी गद्दी पर बैठे दूसरी नेशनैलिटीज के लोग जो आते गए एक एक करके एक एक धर्म या एक एक राज्य भारत की गद्दी पे देख लो दिल्ली की गद्दी पर कितने लोगों ने राज्य किया तो ये दुनिया या ड्रामा प्लान अनुसार इस दुनिया में किसी की भी सीट फिक्स्ड नहीं है एक सीट फिक्स्ड है लेकिन वो किसकी होगी ये फिक्स्ड नहीं है उस सीट पे कौन बैठेगा ड्रामा प्लान अनुसार वो बात चेंज होती जाती है वो रूलर बदलता जाता है तो इस ट्रांजिएंट दुनिया में हम किस चीज का आधार लेंगे जहां हर एक चीज बदल रही है किस बात का आधार लें किसी चीज का आधार नहीं ले सकते हम अपने शरीर को ही देख लेते हैं बच्चा होता है बड़ा होता है बड़ा होता है बूढ़ा होता है और फिर छूट जाता है कितने समय तक शरीर पर भी निर्भर हो सकते हैं नहीं हो सकते क्योंकि यहाँ पर हर चीज हर पल बदल रही है ट्रांजिशन में और ट्रांजिशन में होने के कारण स्थायी नहीं है और स्थायी नहीं होने के कारण हमारा आधार आधार मतलब क्या होता है समथिंग विच इज स्टेबल जो बहुत स्थायी है वो आधार हो सकता है वो हो नहीं सकता है। तो ये जो बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये जो दो हैं जो इस दुनिया में जो भी देख रही है इस दुनिया में ऑपरेट करने के लिए ये दो आँखें जो काम कर रही है हमारा मुख जो काम कर रहा है ये इस ट्रांजिएंट वर्ल्ड में काम कर रहा है अगर मैं इन दो आंखों के ऊपर अपने जीवन का आधार रखूंगी जो देख रही हूं मतलब जैसे मैंने किसी को देखा और देख के इम्प्रेशन बनाया कि ये ऐसा है ये वैसा है ये वैसा है तो क्या किया इन दो आंखों पे आधार रखा और इन दो आंखों पे आधार रखने के कारण मैं इस दुनिया में ही अटकी रही मैं इस दुनिया से बाहर नहीं निकल पाऊंगी वर्सेस हम देखते हैं परम धाम को परम धाम में हर एक आत्मा की अपनी पोजीशन है उस पोजीशन को कोई नहीं ले सकता बाबा ने मुरली में कहा है आपकी जो जगह है परम धाम में, आप चाहे सृष्टि नाटक पर कुछ भी कर रहे हो आपकी उस जगह पर कोई भी नहीं बैठ सकता आपकी वो जगह फिक्स्ड है संपूर्ण रीति से आप ही की है आप ही के लिए बनी है आप ही को वहां बैठना है तो एक विश्व राज्य की गति जिसको हम क्लेप करने के लिए तैयारी कर रहे हैं वर्सेस एक परम धाम की मेरी सीट एक विश्व का राज्य जहाँ पे ट्रांजिएंट है आज हम करें कर कोई और परम धाम जहाँ पे मेरी जो जगह है उस पर कोई नहीं बैठ सकता तो स्थिरता किस जगह पर डिटरमाइन हो सकती है परम धाम पर लेकिन परम धाम को देखने के लिए ये दो आंखें कभी काम नहीं आएंगी परम धाम को देखने के लिए हमेशा हमें तीसरा नेत्र यूज करना पड़ेगा थर्ड आई और उस थर्ड आई के बेसिस पर ही मैं आत्मा स्थिरता को या ऐसी चीजों को समझ सकती हूँ धारण कर सकती हूँ जो मेरे लाइफ में स्थिरता लाए। और इस तीसरी आंख के बेसिस पर ही मैं इस दुनिया से उपराम हो करके जा सकती हूँ इस दुनिया को पार करके जा सकती हूँ इस दुनिया से किनारा कर सकती हूँ इस दुनिया से वैरागी बन सकती हूँ वो मेरी तीसरी आंख है लेकिन दिन भर कार्य व्यवहार में जब हम आते हैं तो हम कितना इस तीसरी आंख को यूज करते हैं हम खुद ही देख लेते हैं तीसरी आंख मतलब बुद्धि की आंख तीसरी आंख आँग मतलब हमारे ज्ञान की आंख कितना उस आंख को यूज करते हैं और या कितना इन दो आंखों को यूज करते हैं जितना हम इन दो आंखों को यूज कर रहे हैं और करते रहेंगे उतना हम इसी दुनिया में फंसे रहेंगे इस दुनिया से पार नहीं हो सकते क्योंकि ये दो आंखें अब दो ही सिस्टम्स हमारे पास अवेलेबल है या तो ये दो आंखें बुद्धि को चलाएं या बुद्धि इन दो आंखों को चलाए दो ही तरीके हैं अगर ये दो बुद्धि को चलाएगी तो ये दो आंखें इस इस इसका रंग ऐसा है इसकी बोली ऐसी इसकी चलन ऐसी सेवा ऐसी करता है ये बात ऐसे करती है जो भी वट एवर ये दो आंखें बुद्धि को भटकाती रहेगी और भटकाने के कारण इस दुनिया में अटकने के कारण हम हमेशा इस दुनिया की ये बातों में उलझे रहेंगे और जब उपराम होने का समय आएगा तो हम उपराम नहीं हो पाएंगे या तो इस प्रोसेस को फॉलो कर ले या दूसरा प्रोसेस है कि हम बुद्धि बुद्धि के द्वारा इन दो आंखों को चलाएं चला अगर इस बुद्धि से हम देखना शुरू कर देंगे तो इस दुनिया से बहुत जल्दी उपराम हो जाएंगे क्योंकि बुद्धि वो देख सकती है या बुद्धि वहां तक पहुंच सकती है जहां पर स्थिरता है ये दो आंखें कभी भी उस जगह तक नहीं पहुंच सकती है जहाँ पर स्थिरता क्योंकि तो ये दो आंखें सिर्फ और सिर्फ इस थर्ड डायमेंशन के लिए ही है स्थूल वतन के लिए ही है इससे ऊपर ये दो आंखें नहीं देख सकती है उसके ऊपर अगर किसी को देखना है तो वो बुद्धि की आंख है और बुद्धि की आंख को जितना इस्तेमाल करेंगे उतना ये बुद्धि भटकेगी नहीं मतलब जितना इस बुद्धि की आंख से देखने का प्रयास करेंगे उतना बुद्धि हमारे कंट्रोल में रहेगी मुझे आत्मा के कंट्रोल में रहेगी ना कि इन दो आंखों के जब हम साक्षी करते हैं आप लोग देखिए आप लोग जब साक्षी करते हैं तो देखिएगा चेक करके देखिएगा कितने संकल्प चलते होंगे जिस दुनिया से रिलेटेड है कितनों के चेहरे याद आते होंगे कितनों के बाल याद आते होंगे कितनों के कपड़े याद आते होंगे कितनों की चलन याद आती होंगे कितनों के घर गाड़ी बंगला जाने क्या याद आता होगा फ्लैश करता रहता मैं ये नहीं बोल रही हूँ लेकिन वो फ्लैश करता रहेगा आंखों आंखों के सामने क्योंकि इन दो आँखों से चीजों को देखा और इन दो आंखों से अगर चीजों को देखा मतलब हमने इस डायमेंशन की चीज को देखा इस डायमेंशन की चीज को देखा मतलब ट्रांजियन चीजों को देखा तो वहां स्थिरता हो ही नहीं सकती क्योंकि वहां हर चीज हर पल बदल रही है तो स्थिरता आ नहीं सकती वर्सेस अगर मैं इस बात की प्रैक्टिस करने लग जाऊं कि मुझे इन दो आंखों से नहीं देखना है मुझे बुद्धि से देखना है है और इन दो आंखों को फॉलो करना है। तो जो मैं मैं देखूंगी 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 तो मैं क्या देखूंगी? देखूंगी, तो क्या बुद्धि से मैं आत्मा देखूंगी गुण देखना शुरू करूंगी मतलब थोड़ा पुरुषार्थ करूंगी इस बुद्धि को बांधने का तो साक्षी करके देखेंगे तो हमें समझ में आएगा कि इतनी सारी बातें रजिस्टर नहीं हो रही क्योंकि नाउ मैं अपनी बुद्धि की आंख से चीजों का डिसीजन ले रही हूँ ना कि इन दो आंखों से और मेरे लिए इजी हो रहा है इस दुनिया से उपरा होना इजी हो रहा है यहाँ से उड़ना या इजी हो रहा है उस एक ऐसी जगह पर पहुंचना जहाँ स्थिरता है स्थिरता सिर्फ परमधाम में नहीं है लेकिन नॉलेज में स्थिरता है हम सभी आत्माएं हैं ये नॉलेज है और यहाँ स्थिरता है अगर मैं आत्मा देखने का प्रयास करूंगी तो मैं आत्मा ही देखूंगी ना शरीर का विस्तार शरीर के रंग रूप कलर यानी क्या क्या चीजें जो विस्तार में है उसमें नहीं उलझूंगी एक ही रिश्ता देखूंगी एक ही तरह की भावना देखने की कोशिश करूंगी बाबा कहते विशेषता एक ही चीज की विशेषता देखना शुरू करूंगी तो कहीं ना कहीं इस बुद्धि को बांधूंगी और उस बुद्धि को बांधने के कारण आज्ञाकारी बनाने के कारण मुझे आत्मा के पास में वो टूल होगा जिसके द्वारा मैं यहाँ से उपराम हो जाऊंगी तो बहुत इंपॉर्टेंट है स्थिति बनाने के लिए कि हम बुद्धि का इस्तेमाल करें इन दो आंखों का नहीं ये दो आंखें फॉलो करें बुद्धि को लेकिन ये दो आंखें बुद्धि को ना भटकाए कई बुद्धि इन दो आंखों को फॉलो करने ना लग जाए क्योंकि तो अगर ये होगा तो बुद्धि भटकती ही रहेगी दिन भर भटकेगी और संकल्प बहुत चलेंगे और शांति का अनुभव नहीं होगा और बोझ बढ़ता जाएगा शक्ति कम होती जाएगी और हम सेवाओं से किनारा करेंगे हम लोगों से किनारा करेंगे हम बातों से किनारा करेंगे हम युद्ध के मैदान में हारते ही जाएंगे दृढ़ता कम होती जाएगी जो सोचेंगे वो कभी भी नहीं हो पाएगा क्योंकि सारी एनर्जी तो भटकने में वेस्ट हो रही है और कुछ भी करके अपनी स्थिति को प्रोटेक्ट नहीं कर पाएंगे स्थिति को प्रोटेक्ट करना मतलब बुद्धि को श्रीमत पर चलाना श्रीमद पर जो भी बाबा ने हमें कहा है दिखाया है समझाया है उस पर जब बुद्धि चलेगी तो वो भटकेगी नहीं और स्थिति कायम रहेगी और इस स्थिति को बनाने के लिए हम कई सारे परहेज त्याग अपने आप कर लेंगे क्योंकि अब हम जान रहे हैं कि जो लड़ाई में सबसे ज्यादा प्रोटेक्ट करने की चीज है या जिस चीज के लिए लड़ रहे हैं वो स्थिति है और कुछ नहीं है बदले में और कुछ नहीं मिलने वाला है आप देखो आज के समय में दुनिया के पास में कुछ भी नहीं है जिसको वो प्रोटेक्ट कर सके ना उनके पास पुण्य है ना उनके पास दुआएं हैं ना उनके पास ज्ञान है कुछ नहीं है तो अंत में बाबा कहते हैं ना कि वो लोग खाली जाएंगे क्योंकि कुछ प्रोटेक्ट करने के लिए ही नहीं है तो क्या लेके जाएंगे साथ में कुछ भी नहीं है ज्ञान नहीं होने के कारण कोई जमा पूंजी नहीं है सब यही रह जानी है जो भी है विनाशी है यही रह जाएगी लेकिन हमारे पास जमा पूंजी है हमारे पास बहुत सारी चीजें हैं प्रोटेक्ट करने के लिए तो ध्यान रहे इस बात पर कि हमें उसको प्रोटेक्ट करना है बाबा कहते है खुशी का खजाना है संकल्प का खजाना है बहुत तो सारी चीजें बाबा ने हमें दे दी ज्ञान का खजाना है लेकिन प्रोटेक्ट करने की हमारी वृत्ति हो कि इस बात पर हमारा ध्यान जाए कि मुझे अपने आप को अपने जमा के खजाने को प्रोटेक्ट करना है नहीं तो हम ऐसे ही साधारण रीति कार्य व्यवहार में आते अगर रहेंगे और प्रोटेक्ट करने की हमारे अंदर वृत्ति नहीं होगी समझ नहीं होगी डिसीजन नहीं लिया होगा तो एक तरफ से कमाएंगे और दूसरी तरफ से लुटाएंगे मतलब लूट लेगी माया चुरा लेगी लुटा ऐसा नहीं हम उड़ा देंगे हम नहीं भी उड़ा रहे हो लेकिन माया उसे चुरा कर ले जाएगी तो प्रोटेक्ट करना है स्थिति को और अगर स्थिति को प्रोटेक्ट कर रहे हैं तो एक मेजर मैंने आपको बताया कि इस तरीके से कर सकते हैं लेकिन उसके ऊपर और भी मंथन कर सकते हैं हम समझने के लिए कि हम हमारी स्थिति को कैसे प्रोटेक्ट करें क्यों इतने संकल्प चलते हैं क्यों इतनी बातें आती हैं क्यों हमारा मूड ऊपर नीचे होता रहता है मेरी जो प्रॉब्लम थी उसकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन मैंने मुझे ये समझ में आया कि मुझे बुद्धि को बांधना है और आंखें सबसे ज्यादा बुद्धि को भटकाती है लेकिन अब हम जो पर्सनली हमारे जीवन में फेस कर रहे हैं जिसके कारण हमारी स्थिति नहीं बन पा रही है या स्थिति बार बार खराब हो जा रही है बार बार टूट जा रही है तो उसके पीछे क्या कारण है और उसका निवारण कैसे करना है इस पर सोचने का एक दृढ़ संकल्प ले ले क्योंकि तो अंत में अगर स्थिति नहीं बचेगी तो खजाने की पाई पैसे भी साथ में ले, ले जा पाएंगे खत्म हो जाएंगे स्थिति वो एक ऐसी चीज है जो हमारे खजाने को बचाए हुए है स्थिति पर अगर वार हो गया और वो खत्म हो गई तो कुछ भी नहीं बचेगा सब लुट जाएगा हर तरफ से लीकेज हो जाएगा सारा खजाना खत्म हो जाएगा तो इस बात पर ध्यान रखिए थोड़ा चिंतन करेंगे हम सभी कि हमारी स्थिति बनी रहे उसके लिए हमें क्या करना है कैसे हमारा स्थिति का कैसल प्रोटेक्टेड रहे अच्छा ओम शांति हम सभी एक मिनट से बाबा की याद में बैठेंगे